कांटी क्षेत्र के NH-28 पर कल दोपहर नसंढा से अपने कांटी नगर पंचायत घर आने के क्रम में कांटी NH-28 पर तेज रफ्तार से आ रहे वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे एक महिला और उनके परिवार के एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से स्थिति गंभीर होने के कारण उसे SKMCH रेफर कर दिया गया। वही परिवार वालों को पता चलने के बाद उन्होंने SKMCH पहुंचकर देखा तो डॉक्टर ने उसे मृत महिला को मृत घोषित कर चुका था। वही आपको बता दें कि पूरे परिवार में, पूरे गांव में अभी शोक का माहौल बना हुआ है। और सीधा तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, कांटी नगर पंचायत का यह तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे गाँव के जो लोग हैं वे पूरी तरह से शोक में डूबे हुए हैं। वही पीड़ित परिवार को जो सरकार के द्वारा मुआवजा मिलता है उसको लेकर CEO स्थानीय जनप्रतिनिधि ने CEO से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द उनको जो सरकार के द्वारा जो मुआवजा मिलता है उन्हें जल्द उन्हें पीड़ित परिवार को मिलेगा। वही आपको बता कल कितने बजे की घटना है, कैसे लगभग 1 बजे की घटना है। शाम को किसी दूसरे माध्यम से हम लोगों को पता चला कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, भर्ती हैं रमेश भगत जी। उनके पास जब हम लोग गए तो वो बताएं कि मेरी भाभी भी मेरे साथ में थी, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग कांटी PHC में गए, वहाँ से पता चला कि यहाँ से इनको रेफर कर दिया गया है मेडिकल। जब हम लोग मेडिकल पहुँचे हैं तो वहाँ पता चला कि इनका डेथ हो गया है, बच नहीं पाए हैं। क्या नाम था इनका? इनका नाम था कांटी देवी। कितने लोग सकते हैं? ये 2 लोग ही थे। उनका क्या स्थिति है अभी? वो तो अभी इलाज में है। इलाज चल रहा है। क्या आश्वासन दिया गया है, क्या मुआवजे की बात हुई? हम मुआवजे के लिए तो सर आश्वासन दिया गया है कि हाँ जो भी सुविधा होगा, जो भी सरकार के द्वारा दिया जाता है वो दिया जाएगा। आपके कौन हुए? ये मेरी चाची लगेंगे। आपका नाम? अनिल कुमार। क्या कुछ घटना घटी थी? हाँ, कल लगभग यह घटना दोपहर की है। दोपहर टाइम में यह घटना घटी है। ये महिला अपने देवर रमेश भगत के साथ नसंडा से लौट रही थी। इसी क्रम में NH-28 पर नीचे में ओवरब्रिज के नीचे में जो लगता है शायद रोड क्रॉस कर रही होगी, उसी समय तेज रफ्तार से पिकअप वैन की तरह है ना, कोई गाड़ी तेज़ रफ्तार से कुछ बता रहे थे लोग, बड़ी तेज़ रफ्तार से आई लापरवाही से, उसको चलते हुए भागा। पूरी तरह बुरी तरह जख्मी हो गई थी दोनों व्यक्ति। तो एक व्यक्ति को इनको कांति देवी को ले गए सरकारी अस्पताल में कांटी PHC में, और दूसरे को एक आदमी उठा के ले गए जो रमेश भगत थे मिलो घायल, उनको निजी अस्पताल में कांटी के एक नर्सिंग होम में। और हम लोग को शाम में यहाँ पर जानकारी मिली, शाम को जब रमेश भगत को होश आता है तो वो बताया कि मेरा घर कांटी है और मेरे साथ मेरे भाभी लगती है, वो थी साथ में, है ना। तो जब यह जानकारी हुई तो उसके बाद वो घर को खबर दिया गया, उसके बाद हमको भी जानकारी मिली। हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो बताया कि ऐसे से था, तो हम लोग कांटी PHC गए। PHC जानकारी मिली कि इसे रेफर कर दिया गया SKMCH मुजफ्फरपुर, और वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे हैं तब तक डॉक्टर बताया कि इलाज के क्रम में हम लोग बचा नहीं पाए, इनका मृत्यु हो गया। हमने इसके बाद जो सरकार के तरफ से अनुग्रह अनुदान राशि मिलता है, CEO साहब से हमने बात किया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हर हाल में इसे लाभ दिया जाएगा, आप इसके रहकर दाह संस्कार करवा दीजिए, हमें आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या हुआ नाम इनका? नाम हुआ इनका कांति देवी, पति स्वर्गीय नंद किशोर भगत, कांटी कस्बा वार्ड संख्या 8 की है।